नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में 24 तारीख से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो गई थी। आपको मालूम है कि ये परीक्षा 3 दिनों तक चली। आपको मालूम है कि इसके जरिए 1,70,000 पदों को भरा भी जाना है और आपको ये भी मालूम है कि इसके लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का चयन भी होना है। देखिए, बीपीएससी ने जब से शिक्षक भर्ती परीक्षा का ऐलान किया था तब से इसको लेकर जमकर विवाद हुआ है और अब एक बार फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि इस परीक्षा के कानूनी पचड़े में पड़ने की पूरी उम्मीद भी जताई जा रही है और अब ये मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। देखिए, जिसके बाद बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। सवाल ये भी है कि जिस रिजल्ट का अभ्यर्थी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्या वो रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं। तो आज हम इन्हीं मौजूदों पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब इस बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों पटना हाईकोर्ट ये मामला पहुंच गया है। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य है, जब भी कोई भर्ती शुरू होती है, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो, दरोगा की हो या शिक्षक की हो, शिक्षक की बृहद पैमाने पर हो रही है, तब तब इस ढंग की बातें आ जाती हैं। अब कई बार सरकार में भी कुछ संवेदना की कमी रहती है और लड़के भी, जो शिक्षक की संख्या अधिक है, तो वो भी चाहते हैं अपनी बातों को इन्फोर्स करना। तो इस ढंग से इसमें कुछ विसंगति हो भी सकती है कि हो इसमें। और जो इस बात पर चर्चा आप कर रहे हैं, एक हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है जी। जिसको कि टीचर्स टी टीचर्स एसोसिएशन ने केस दायर किया है और उसमें 29th मतलब अगले मंगल को इसको काउंटर एफिडेविट जवाब देने के लिए, मतलब सरकार को अपना हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो अगले मंगल को कहा गया है, हम लोग का जो अनुभव है, सरकार प्रायः अपना जवाब या अपना हलफनामा समय पर नहीं दे पाती है। हो सकता है अगले बार फिर डेट ले ले वो। अच्छा। और उसमें कोर्ट से डेट मिल भी जाएगा उनको, जो सरकार में कोई हलफनामा देने में टाइम लगता है, क्योंकि सरकार पर बहुत सारे कार्य, यही कार्य तो है नहीं, तो हलफनामा उनका आ भी जा सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आ भी जाएगा तो फिर उसका फिर इनको रिज्वाइंडर देना पड़ेगा, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट का डेट पड़ेगा और आर्गुमेंट का जो डेट पड़ेगा उस पर इस पर बहस होगी। अब इसमें जो इन्होंने बिंदु उठाए हैं, कि ये आर्बिट्ररी है, इन्होंने बिंदु उठाया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो रूल है बिहार टीचर्स अपॉइंटमेंट ट्रांसफर एंड डिसिप्लिनरी एक्शन रूल्स जो 2023 में बना है, शायद अप्रैल में वो नोटिफाई हुआ है। इन्होंने कहा कि ये जो लॉ है असंवैधानिक है, मनमाना है और सरकार के में के पास शक्ति नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है, सरकार जो संविधान में शक्ति जो प्रदत्त है उसके अनुसार ही उस सरकार ने इस कानून को बनाया है। और सरकार को, आप देखिए, ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है जी। जिसमें उसके पहले एक राइट टू एजुकेशन संविधान में भी दिया गया था, आर्टिकल 21A में कहा गया कि अब जो है क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन और प्राथमिक शिक्षा, मैंने 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देना है और फ्री एजुकेशन वो भी क्वालिटी एजुकेशन देना है और अनिवार्य देना है। उसमें कहा गया कि हर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होगा। अच्छा। संविधान में ही लिखा हुआ है जी। जब कानून बनाने का अधिकार होगा, उस अधिकार के प्रदत्त में इनको अधिकार बनाने, कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है, उसके तहत इन्होंने कानून बनाया, तो फिर अल्ट्रा भाई, तो फिर ये हंगामा क्यों और ये मनमाना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये बातें, तो लगता है केवल कहीं से उतार के रख दिया कि इन बातों में कोई दम हमें कोई दम नहीं है, कोई तथ्य भी नहीं है। दूसरी बात एक आ रही है कि वो एक जो राजस्थान में घटना घटी, जो सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि NCT जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी। उसने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2018 में जी। कि जो BEd पास है वो भी प्राथमिक शिक्षक में अपना आवेदन कर सकते हैं, वो भी अर्हताएँ पूरा कर रहे हैं, वो भी योग्य हैं इसके लिए। इसके विरुद्ध में राजस्थान सरकार ने
एक अपना कानून बनाया, उसने कहा कि नहीं, प्राथमिक शिक्षक में जो डिप्लोमा जो डीपीएड किए हुए हैं वही केवल आवेदन कर सकते हैं, जो डीएड कहा जाता है, डिप्लोमा इन क्या कर एलिमेंट्री एजुकेशन करके कुछ है ऐसा, उस नाम तो डीएड करके होता है, तो जो डीएड करते हैं वही एलिजिबल है। तो उन्होंने एक कानून बनाया जिसको कि हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, और हाईकोर्ट ने जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था इसमें था कि बीएड वाले भी परीक्षा दे सकते हैं, उसको हाईकोर्ट ने जयपुर हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वेश कर रद्द कर दिया। इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड जस्टिस सुधांशु सिन्हा, 11 अगस्त 2023 को उन्होंने डिसाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, प्राथमिक शिक्षा को पढ़ाने का जो शिक्षक प्रशिक्षण का जो पाठ्यक्रम है और जो बीएड का है दोनों डिफरेंट है। उसमें जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में साइकोलॉजिकल पार्ट जो चूँकि 6 साल के 14 साल के बच्चे को पढ़ाने की जो सख्त उसमें कोर्स कम पढ़ाना है, साइकोलॉजी ज़्यादा देखना है। 14 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, उसमें सिलेबस और पढ़ाई की बात ज़्यादा होती है। ये बीएड वाले को दूसरे ढंग की ट्रेनिंग दी गई है, और इनको जैसे किसी को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी गई है तो मोटरसाइकिल कैसे चला लेगा, और मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दे दी गई है तो वो गाड़ी कैसे चला लेगा, और गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दे दी गई तो ट्रक कैसे चलाएगा, ट्रक से तो हवाई जहाज कैसे उड़ा लेगा। तो इस ढंग की बातें हैं कि उन्होंने कहा, लेकिन अब एक आध आदमी हो सकता है साइकिल से लेकर के गाड़ी तक चला एक्सेप्शनल बात है, लेकिन वो उनकी जो कागज जो डॉक्यूमेंट है अगर वो मान लीजिए डीएड भी किए हुए हैं और बीएड भी किए तो वो तो दे सकते हैं, लेकिन जो डीएड नहीं किए हैं सिर्फ बीएड उनके पास जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ जानकारी पर तो हो नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, उनको उन्होंने कहा कि ये इसमें एलिजिबल नहीं। और राजस्थान सरकार का जो आदेश था जो उन्होंने कहा कि केवल डीएड वाले ही एलिजिबल है उसको उसने कन्फर्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब थोड़ा मामला डाइसी हो गया यहाँ के लिए, लेकिन एक बात और भी है कि राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार नियमावली बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है संभावना 50-50 है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार कन्फर्म कर चुकी है कि डीएड वाले ही केवल एलिजिबल हैं प्राथमिक शिक्षक, मतलब बीएड वालों पर खतरा मंडरा रहा है। हाँ वो खतरा है, उसमें बहुत थोड़ा मोरा चांस रखिए एक सफलता राज्य सरकार को मिल भी सकती है, 60% चांस है एक सफलता नहीं मिलेगी उस केस में। ठीक है आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब टीटी शिक्षक संघ जो है अब पटना हाईकोर्ट चला गया है तो उन्होंने भी कई मांगे रखी हैं अपनी, कई सारी जो है कई मुद्दों पर कई पॉइंटर्स रखे, 4 प्रमुख मांगे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो 4 जो पॉइंट्स रखा गया है पटना हाईकोर्ट के सामने वो पॉइंट्स क्या हैं? उन्होंने कहा कि जो एक तो हमने बता दिया बीएड वाला मामला था जी। दूसरा मामला है कि जो उनके जो परीक्षा फॉर्म जो भरे गए हैं उसमें निगेटिव मार्किंग ना हो, तो ये तो मार्किंग तो डिसाइड बीपीएससी, निगेटिव मार्किंग तो ऐसे भी अभी नहीं है परीक्षा में, निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ तो बात ही खत्म हो गई, नहीं हमें नहीं पता था निगेटिव मार्किंग नहीं, इन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि मिनिमम अर्हता है 75% सीट ना भी भरता है तो भी मिनिमम, उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक की संख्या ज़्यादा हो और जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इन्होंने रखा है वो उससे अगर संख्या कम होती है उस पर भी बीपीएससी चेयरमैन का उसको डाउन कर दें, उस पर क्या आया उस पर भी बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बोल दिया कि अगर आपके अंक कम भी हैं तो कट ऑफ को उसी हिसाब से किया जाएगा, तो वो निर्णय हो ही गया जी। अब नोटिफिकेशन के बाद जो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, नोटिफिकेशन मतलब जो ऐसा जो जिन लोगों के आवेदन का तिथि अगर है और वो तिथि जारी है उस तिथि के अंदर कोई बदलाव किया गया है तो उसमें लीगलिटी कहीं कुछ नहीं आती है। लॉ में एक रूल है कि रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द प्ले हैज बिगन, द रूल ऑफ गेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द प्ले हैज बिगन, खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन इस केस में आवेदन की अंतिम तिथि के पहले ही चेंज कर दिया गया है, इसलिए यह जो मैक्सिम है लॉ का इस पर लागू नहीं होता है। और ये जो इन्होंने जो भी चेंज पहले चेंज किया ही जाता है, कई एक बार प्रोटेस्ट हुआ, कई एक बार बहुत सारी बातें होती है तो चेंज विवाद हुआ तो चेंज किया, सरकार ने अपने नियम शक्ति के अंदर चेंज किया। तो आवेदन ऐसा नहीं है कि उसमें कहा था अगर आपने चेंज बाद में कर दिया, कुछ लोग और आवेदन करना था जो नहीं कर पाए, तो ऐसी कोई बात इस पर लागू नहीं होती है, तो यह अभी इसमें लागू नहीं होती। और जो इन लोगों ने कहा कि आर्बिट्रेरी है, अनकंस्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायर है, ये कहीं लीगली कहीं प्रूफ नहीं स्टैंड नहीं करता है। एक जो इन लोगों का डिमांड है कि हमको सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए,
तो सरकारी कर्मचारी दर्जा आप बहाल हुए हैं पंचायत की ओर से, मुखिया जी आपको बहाल किए हैं, मुखिया जी के पास बहाली करने का और परीक्षा लेने का और इंटरव्यू लेने का कौन सा मैकेनिज्म था उनके पास, कौन सी क्वालिफिकेशन थी उनके पास, वो कैसे बहाल हो रहे थे और कितनी बदनामी बिहार सरकार की हो रही थी, शिक्षक लोग की योग्यता है बराबर क्वेश्चन मार्क लग रहा था। तो सरकार को जब यह दिया गया है कि क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन देना है, ये सरकार के दायित्व में है, तो सरकार ने बहुत सोच समझ के कहा कि भाई इनका जो मांग है कि सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाए वह भी पूरा हो रहा है बीपीएससी से। पंचायत देखिए इनका जो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लेकर के पटना हाईकोर्ट में इनके फेवर में जजमेंट भी हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं बहाली की प्रक्रिया डिफरेंट है, इनकी बहाली पंचायत से हुई है और सरकार इनकी बहाली प्रक्रिया वो नहीं है जिनको जिनके इक्वल पे से ये कम्पीट करना चाह रहे हैं। सरकार ने एक रास्ता निकाली बीपीएससी के थ्रू कर ताकि इनका वेतन भी सही हो जाए, लेकिन सरकार का यह कहना सिर्फ जब उसके थ्रू हम करेंगे सारा वेतन हम ढंग का देंगे, उस इंक्रीमेंट देंगे, डीए देंगे, सारी सुविधा हम देने जा रहे हैं, तो हम भाई बहाली जो तरीका है उस तरीके से ही करेंगे ना, शिक्षक की योग्यता तो हम देखेंगे ना। अब उस योग्यता को देख रख कर दिया गया है, अब जो पंचायत मुझको यह नहीं पता कि जो पंचायत से जिनकी बहाली हुई है जिनका नियोजन हुआ है उनके नियुक्ति पत्र में रिटायरमेंट के एज कुछ लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट था। अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट था और 6 महीना साल भर 2 साल 5 साल 10 साल के लिए था तो वो उस पर क्लेम कर सकते हैं कि हमको 60 साल का एम्प्लॉयमेंट दिया गया अब क्यों हमको हटाया जा रहा है, लेकिन रहेंगे उसी ग्रेड में, उस सरकारी शिक्षक ने सरकारी कर्मचारी के दर्जा में नहीं जा सकते। लेकिन अगर उनको लिमिटेड दिया गया है कि नहीं इतने साल का दे रहे हैं या तब तक के लिए दे रहे हैं, एडहॉक दे रहे हैं, तो इससे केस में उस क्लेम को भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हुई है बीपीएससी के द्वारा जिसमें क्वालिटी में एजुकेशन होगा, क्वालिटी टीचर्स आ जाएंगे, इसमें विरोध करने के लोग अब वो कहते हैं हमें ही अब्जॉर्व कर लो, हमें ही रेगुलर कर दो, क्योंकि अब उनका बहाली प्रक्रिया जस्तस उस समय हुआ था सर्वशिक्षा अभियान के तहत, तो उस समय कर दिया गया था, हमारे हिसाब से उस समय भी नहीं करना चाहिए था इस चीज़ को। देखिए अब बड़ा सवाल लेकिन वकील साहब ये बना हुआ है जो मैंने शुरू में ही कहा कि आपको क्या लगता है जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कर दिया जाएगा? देखिए जो रिजल्ट का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं क्या वो रिजल्ट वो नतीजे कभी नहीं, नहीं, एक मामला वही फंसेगा बीएड और डीएड वाली मामला फंसेगी, बीएड वाला मामला फंस सकता है, लेकिन बाकी मामला क्या इससे रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा? बीएड वाले जो एग्जामिनेशन दिए होंगे प्राथमिक शिक्षक उनका हो सकता, उनका रुक जा सकता है, उनका रिजल्ट रुक सकता है, कोई दिक्कत परीक्षा जब हो गई है इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ है, 8 लाख से ज्यादा नॉर्मली कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी की गई है, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना है, उसकी अनदेखी की है, तो इस पॉइंट में इस बात में कितना दम नजर आ रहा है आपको? कौन सा आदेश? वही ना अनदेखी है उनका, जो उन्होंने कहा बीएड वाले एग्जामिनेशन दें, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं अगर वहां से रिलीफ होगा तो उनको एलिजिबल हम कर देंगे, नहीं होगा तब तक उनका रिजल्ट रुका रहेगा, यही ने कहा है, तो कहां अनदेखी है उसको, तो उसका जो प्रिकॉशनरी मेजर तो ले चुकी है सरकार, प्रिकॉशनरी मेजर सरकार ले चुकी है, इसलिए कहीं कोई अनदेखी इसमें नहीं है, कोई अनदेखी नहीं कोई अनदेखी, सरकार उसका जो सेफ्टी वाल्व सिस्टम है वो ले चुकी है इसमें। ठीक है एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अब जाहिर सी बात है आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, आप जानते हैं कि केस में अब आगे क्या कुछ हो सकता है और आपके कई बार जो आपने कहा है बातें जो अनुमान लगाए वो सही भी साबित हुए, तो अब हम जानना आपसे चाहेंगे कि क्या लगता है आपको इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि 29 तारीख को तो इस मामले में सुनवाई भी है, जवाब तलब किया गया है, क्या लगता है अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए बीएड डीएड वाले मामले को छोड़ करके बाकी मामले में हमें नहीं लगता कि भाई पटना उच्च न्यायालय से ऐसे जब तक निर्णय ना हो कुछ बोलना गलत होगा, लेकिन हमें इस जो अपना जो अनुभव है जो ज्ञान है उसके अनुसार लगता है इसमें पटना उच्च न्यायालय बहुत हस्तक्षेप नहीं करने जा रही है, अगर बहुत करेगी तो बीएड डीएड वाले कुछ बोल सकती है, अदरवाइज ये मामला डिसमिस होगा, डिसमिस हो जाएगा जी। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब, देखिए बड़ी बात कह दी है कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोर्ट ज्यादा हस्तक्षेप करेगी, साफ कह रहे हैं कि जो मामला फंस रहा है वो बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला अभी भी फंस रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज, बहुत शुक्रिया।